सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर राजा कुआं गांव में स्थित संत बाबा के समाधि स्थल पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 48 घंटे का सीताराम नाम के अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अखंड कीर्तन का आयोजन 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शुरू होकर लगातार 5 अक्टूबर की सुबह 8 बजे तक चलेगा। अखंड कीर्तन के दौरान संत बाबा के समाधि स्थल से सटे आसपास के गांवों में 48 घंटे तक चूल्हा नहीं जलता है और ना ही लोग नमक खाते हैं। दरअसल आपको बताते चले कि 3 अक्टूबर 2002 के दिन ही सुदुर्लभ संत बाबा अपने शरीर का परित्याग किए थे और तब से लेकर प्रत्येक वर्ष बाबा की समाधि स्थल पर अखंड कीर्तन का आयोजन होता चला आ रहा है। इतना ही नहीं, प्रत्येक रविवार को बाबा के समाधि स्थल पर मेला का भी आयोजन किया जाता है और प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा के साथ साथ रामायण का पाठ होता है। इस जगह पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा की समाधि पर आकर मत्था टेकते हैं। आपको बताते चले कि आश्रम में एक कुआं भी स्थित है जिसका पानी अमृत से कम नहीं है और आज भी इस पानी का जल स्तर 15 फीट पर ही है, चाहे वह जेठ की गर्मी हो या फिर कोई और महीना। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी भी लोग को अगर सांप या बिच्छू या छिपकली काट लेता है तो इसी कुएं के पास स्नान कराने एवं पानी पीने से लोग ठीक हो जाते हैं। बताया जाता है कि संत बाबा को रामायण का हर एक श्लोक कंठस्थ याद था। आपको बताते चले कि पिछले वर्ष कोरोना के कारण व्यापक तरीके से अखंड कीर्तन का आयोजन नहीं किया गया था। बावजूद कोरोना पर बाबा के प्रति आस्था भारी पड़ी थी और स्थानीय प्रबंधन को न चाहते हुए भी श्रद्धालु बाबा के पास आकर सीताराम का जाप करते थे। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इस वर्ष किस तरह से बाबा के आश्रम में अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धालु भक्ति में सराबोर होकर सीताराम का गुणगान करते हुए झूम रहे हैं। आपको बताते चले कि राजा कुआं स्थित संत बाबा के पास 48 घंटे के अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे